लेकिन मैं अब स्मृति ईरानी के सवाल पे आती हूँ कि अनिल जी, स्मृति ईरानी अगर बीजेपी की अध्यक्ष बनती है, अगर, इसमें बहुत बड़ा अगर है, मैं अंडरलाइन करके बोल रही हूँ, अगर स्मृति ईरानी के नाम को बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी बढ़ाती है आगे, तो ये बीजेपी की एक सक्सेस स्टोरी होगी इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव्स, या वो एक पार्टी के लिए डिजास्टर होगा? जी अनिल जी, नहीं, मुझको लगता है क्या कि ये पता नहीं किसने चलाया है, स्मृति ईरानी को कभी नहीं बनाएंगे, मैं लिख कर भी दे सकता हूँ। इतना मतलब हम लोग उनको समझते हैं कि अपरिपक्व और अब मतलब ना समझ, और आरएसएस 1925 से लेकर आज तक ये संगठन कितने मतलब मेन स्ट्रीम के खिलाफ चलता हुआ अभी तक जिंदा है और सत्ता पर काबिज हो गया, इतना थोड़ी मतलब इस तरह की मूर्खता हमको लगता है नहीं करेंगे वो। आप स्मृति ईरानी का, आप स्मृति ईरानी का ग्राफ देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनका उनका नाम ये मीडिया वाले क्या है, कुछ मीडिया वाले उनको बहुत पसंद करते हैं, उनका जो बोलने का अंदाज है, राहुल गांधी, उनकी USP एक ही है, राहुल गांधी को टारगेट करना। अब आरएसएस का, आरएसएस को सिर्फ राहुल गांधी उसका उसके स्कीम ऑफ थिंग्स में बहुत कहीं एक है, असल में जो उसका एजेंडा है अभी प्रॉब्लम ये है कि हिंदुत्व जो है डाउन स्लाइडिंग है, वो बहुत ही नीचे जा रहा है तेजी के साथ। यूपी जो उसका एक्सपेरिमेंट जो कि लेबोरेटरी बनाया था उन्होंने गुजरात के बाद, उसने उसको नकार दिया और अयोध्या में हार गया उनका कैंडिडेट। वो रायबरेली उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और MAT, उनके लिए अयोध्या बहुत इम्पोर्टेंट था, जो शोकेस कर सकते थे वो लुढ़क गए। तो वो जो है वो उनके लिए कोई मतलब रोज रोज उठे और बैठे और राहुल गांधी को गाली दे और टॉक्सिक सेंटेंसेस इस्तेमाल करे, वैसे लोगों की उनको अभी जरूरत नहीं है। अभी तो ये रिकॉन्सिलिएशन की बात कर रहा है आरएसएस, क्यों? इसीलिए कि जो क्राइसिस आई है मोदी के ब्रांड में और बीजेपी के ब्रांड में, उस क्राइसिस से जूझना है। और फिर इलेक्शन है महाराष्ट्र में, एक शो केस जो है जो वहाँ था, क्या कहते हैं ये, मैं अयोध्या में वो लुढ़क गया, दूसरा यहाँ खुद अपने ही स्टेट में उनका नागपुर में है, विदर्भ में 9-10 में से 7 सीटें जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, पूछ लीजिए उनसे। और 2 सीटें भी अगर भी बहुजन विकास आघाड़ी अगर नहीं जो मैदान में होता, तो वो 2 सीटें भी वो जीत जाते, वंचित ये बहुजन आघाड़ी, तो अगर वो अगर नहीं होता तो वो जीते भी वो सीटें जीत जाते, मतलब 10 में से 9 सीट जीतने वाले थे गडकरी को छोड़ करके, बाकी सारी सीटें जीत रहे थे वो। तो आप सोच लीजिए कि उनको अभी उनकी हालत खराब है, उनकी चिंता ये है कि अच्छा मोदी ब्रांड सब दिन तो रहेगा नहीं, वो लुढ़क भी गया और उसके बाद 75 साल के हो जाएंगे, निश्चित तौर पर लोग सवाल उठाएंगे कि भाई अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं, अब झोला उठाने का टाइम हो गया है, तो अब झोला तो उठाना पहले ही था, अब लेट क्यों कर रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में वो स्मृति ईरानी को बना के क्या करेंगे? अरे ये मीडिया में क्या है चक्कर कि अब जैसे नाम ही ले लीजिए रिपब्लिक भारत है, वो कहीं कुछ नहीं रहेगा, ले आएगा स्मृति ईरानी को, ऐसे ही 2-4 उनके फैंस हैं उसमें, और जो कि खुद टॉक्सिक है, टॉक्सिक टेलीग्राफ का एक सीरियस पेपर टेलीग्राफ माना जाता है। आज टेलीग्राफ ने जो स्टोरी उनकी ऑनलाइन टेलीग्राफ ने किया है, उसमें स्मृति ईरानी का नाम, अनुराग ठाकुर का नाम, सुनील बंसल का नाम, के लक्ष्मण का नाम, विनोद तावड़े का नाम, ये वो सारे नाम है जो कि बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए। और एक लाइन और आपको बता देती हूँ, लाइव मिंट ने एक स्टोरी की थी कुछ दिनों बाद, उन्होंने न्यूज 18 को कोट करते हुए एक लाइन लिखी है, मैं पढ़ के बता देती हूँ। As per News 18 report, the party might also look to appoint its first woman president, with women voters increasingly defying caste and religious boundaries. The BJP is also considering appointing its first woman president. इस तरीके का narrative अब शुरू हो गया। मैं आपको report पढ़ के बता रही हूँ, मैं तो कोई सूत्र भी नहीं कह रही हूँ। एक मिनट, मैं जरा इसको ये जरा explain कर दिया जाए। एक तो है क्या कि जो telegraph की report है, telegraph की report मेरे दोस्त ही करते हैं, तो मैं उनसे पहले पूछा नहीं है, इसीलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, ये दोस्ती की के बाद साफ ही बता रहा हूँ। वो अपने दोस्त ही हैं, उनका ही होगा, उनकी रिपोर्ट होगी जो बीजेपी कवर करते हैं, बहुत ही अच्छे मित्र हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति भी हैं, तो इसीलिए उन पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन ये रिपोर्ट उन्होंने
जो की है वो रिपोर्ट से मैं सहमत नहीं हूँ। न अनुराग ठाकुर बनेगा न स्मृति ईरानी बनेगा। अगर मेरे से मतलब कि मेरा जो अनुभव है थोड़ा बहुत उसके आधार पर मैं लिख के अगर आप कहेंगे तो दे सकता हूँ आपको। अरे ये दोनों नहीं बनाए जाएंगे, ये सही कहा विवेक ने। और कि विनोद तावड़े जो है, विनोद तावड़े का चांसेस बहुत ज्यादा है। विनोद तावड़े ही लग रहे हैं कि भाई उनकी संग। दूसरा एक और चीज है, अभी इलेक्शन है वहां का, लेकिन विनोद तावड़े में भी है इफ एंड बर्ड्स, उनका वही महाराष्ट्र में ही विरोध होने वाला है। क्योंकि अगर विनोद तावड़े को बनाते हैं तो देवेंद्र फडणवीस को वो एकोमोडेट कर रहे हैं कि नहीं एज ए फेस, सीएम फेस, तो फिर एकनाथ शिंदे क्या करेंगे। देखिए बहुत बीजेपी उलझ गई है और आरएसएस बहुत स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ऐसे रब मत कर लीजिए, वो एक ले आएंगे कहीं से। अब जैसे सुनील बंसल है वो आ जाएंगे, ऐसा ही कोई आदमी कहीं से ले आएंगे उठा करके, और आप लोगों को लगेगा करे, और उसके बाद उसके बारे में छपना शुरू होगा कि ये तो ऐसे प्रचारक थे कि बिना क्या कहते हैं भोजन किए हुए और क्या गाँव में जा रहे थे, मणिपुर में भी इन्होंने काम किया और उसके बाद मणिपुर से चले आए, इनका यहाँ डेप्टेशन हुआ। खुद ये क्या कहते हैं मोदी जी के बारे में यही सब चर्चा चली थी, और अभी रोज दिन भर सूट कपड़े बदलते हैं, तो चर्चा कैसी थी कि एकदम 5x5 वाले रूम में रहते थे, फोटो भी छपा था कि 5x5 रूम में कैसे रहते थे वो, और उसके बाद जो है सो कैसे बिना खाए पिए चल रहा था उनका, तो ये सब स्टोरी फिर आना चालू हो जाएगी। अब पता नहीं, आरएसएस कभी भी ऐसा संगठन नहीं था, मैंने तो नक्सलाइट मूवमेंट से लेकर के और आरएसएस सबको देखा है सामने फील्ड में, कोई मतलब उनको कभी ऐसी, हमारे कई दोस्त हैं जिनको मैं जो बहुत दिन तक ऐसे ही बेचारे रह गए, लेकिन ऐसा कोई विपन्नता जैसे जिस तरह से नक्सल मूवमेंट के या सोशलिस्ट बिना खाए पिए दलित कार्यकर्ता घूमते हैं, ऐसी स्थिति कभी आरएसएस की थी नहीं। उनको काफी अच्छा ये सपोर्ट था संपन्न क्लास का। अब वो है कि सादगी वो गांधी जी की देन थी। अगर वो सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में स्मृति ईरानी, एक लास्ट लाइन, स्मृति ईरानी के लिए अब जो है बहुत रास्ते कठिन है और उनको मोदी जी भी ने भी डंप किया हुआ है। इसी ह्यूमरस नोट पे अनिल जी आपसे अंत में कमेंट लूंगी कि स्मृति ईरानी का जैसे ही नाम हम लोग बात कर रहे हैं और पूरे पिछले 40-45 मिनट से ये डिस्कशन चल रहा है कि अगस्त क्या होगा अगर स्मृति ईरानी का नाम आता है, और स्मृति ईरानी का अध्यक्ष पद के लिए नाम सुनते ही हम सब हंसने लगते और एक हंसी आ जाती है कि भाई पता नहीं कौन सा सवाल है, लेकिन इस सवाल को लेकर, इस नाम को लेकर इतनी तेज चर्चा है, तो आज क्या हंसना गुनाह है या हम हंस सकते हैं? अब मैं यही पूछ रही हूँ कि हम लोग यही कहेंगे अरे आप तो महिला होकर आप स्मृति ईरानी पर हंस रही है, क्यों नहीं वो कॉम्पिटेंट हो सकती है, लेकिन ये सारे सवाल मैं खड़े कर रही हूँ। आज सब लोग हर एंगल से इस प्रोग्राम को देख के लिखेंगे कि अरे भाई नीनू व्यास आप तो महिला है, आप एक दूसरी महिला पर हंसती है, उनके कॉम्पिटेंस पे आज सवाल खड़े कर रही है कि भाई वो अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकती, आपको शर्म नहीं आती? तो हम लोग ऑब्वियसली इतनी देर से हंस भी रहे कि भाई बड़ा ये हास्यास्पद आइडिया है अगर स्मृति ईरानी को अध्यक्ष बना जाए, तो अंतिम कमेंट लूंगी आपसे। जी अनिल, अभी देखिए जब आप लोग हंस रही हैं तो क्या आरएसएस में हंसने वालों की कमी होगी क्या? वो लोग भी तो इसी धरती के लोग हैं, वो क्या सन्यासी हो गए क्या? उनको देख करके पता ही नहीं चलता होगा क्या स्मृति ईरानी है या नहीं है, कौन है, सब हमसे ज्यादा जानते होंगे वो लोग। तो आपको क्या लग रहा है? हम तो आपको देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ उनका करियर ग्राफ का भी। उनका देखिए इम्पोर्टेंस था यही कि राहुल गांधी के खिलाफ उनको प्रवक्ता के तौर पर रखा गया, और काफ़ी मतलब बीजेपी ने जो पॉलिटिक्स चलाई अभी 10 साल या उसके पहले से, उसमें एक टॉक्सिक एलिमेंट जिसमें कि मीडिया का अटेंशन ले लेना, हेडलाइंस मैनेजमेंट, कुछ ऐसे कॉमेडियन के जैसा कुछ काम करना, ये सब उसके पार्ट ऑफ द गेम था लाइमलाइट लेने के लिए। क्योंकि आप देखते हैं ना सिलेंडर वाला, उनको देखते हैं ना उससे क्या सिलेंडरेला करके उनको कोई संबोधित कर रहा था, तो ये सब तरह की चीजें उनमें थी। और निश्चित तौर पर जो नया मीडिया बन रहा था उसमें एक टीवी के स्टार रह चुकी महिला का इम्पोर्टेंस था, इसके लिए उनको जगह जगह बुलाते भी थे। और उस दौरान जो उनका अपोनेंट जिसको उन्होंने बनाया अपना निशाना, वो समझदारी से काम लिया उन्होंने अपना USP बनाया राहुल गांधी को ये करने का, उनको टारगेट करने का, तो ये सक्सेसफुल रहा। लेकिन अब वो है नहीं। मैं आपको बार बार फिर से कहूंगा
कि राहुल गांधी को अब वो पप्पू नहीं बना सकता आरएसएस, और ये बात उसके समझ में आ गया है, तो अब वो कोशिश करेगा कि कोई दूसरा आदमी, दूसरा कोई चेहरा जो मोदी के की जगह लेने वाला है उसको लाना है, संगठन को मजबूत करना है। अब वो 10 साल आगे की लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा होगा, ऐसी स्थिति में वो इनके हाथ में नहीं दे सकता। दूसरा एक और उदाहरण मैं दे दूं, उनको बनाया गया था एचआरडी मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्ट्री में जो लोग उनको डील करते थे रोज, मतलब पीओन से लेकर के सेक्रेटरी तक, उन लोगों की राय, मतलब मैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, उन लोगों की राय थी कि इतने बदमिजाज और इतनी बदतमीज है कि किसी का ख्याल नहीं करती है, और बाकायदा मतलब कि उनका सातवें आसमान पर गुस्सा रहता था। उनको जो निकाला गया एचआरडी, और उन्होंने जिस तरह से रोहित बेमुला कांड का हैंडल किया, वो कोई आरएसएस के लिए फायदेमंद है क्या? दलित पर, उनको दलितों को ओबीसी को लाना नहीं है अंदर, तो कोई इस तरह का चेहरा जो डिविसिव इस तरह से है उसको इस बार नहीं लाएंगे। इस बार कोई हिंदुत्व का सॉफ्ट चेहरा लाएंगे, और वो भी कहीं बैकग्राउंड से, तावड़े उसमें फिट बैठते हैं। लेकिन तावड़े के बारे में मुझको शक सिर्फ इतना ही है कि वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते रहे हैं काफी प्रमोद महाजन के जमाने से। मेरे ख्याल में प्रमोद महाजन के ही स्टार्टिंग में उनको जो आगे बढ़ाने वालों में से थे, प्रमोद महाजन ही थे। तो विनोद तावड़े जो है को यहाँ का जो इक्वेशंस है उसके हिसाब से अब देखिए, यह है कि उनका जो लीडरशिप है उसको क्या किसी मराठा या जिसको देना चाहेंगे, ये सब इक्वेशन आएंगे, जो लोकल इक्वेशन, ये उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज उनका जो अभी आगे का हिसाब है उसमें विनोद तावड़े सबसे फिट लो है, लेकिन कोई दूसरा भी ले आएंगे, कहीं पर होगा वो, कहीं किसी जगह काम कर रहे होंगे, उनके पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और पहले भी जो आप लिस्ट अगर आप देखिए, तो उन्होंने आरएसएस की किसी प्रचारक को, ऐसा किसी यशवंत सिन्हा को बना दिया, ऐसा नहीं है जो बाहर से आने वाला है। वो आरएसएस का प्रचारक होना पहला उसकी पहली जरूरत है, दूसरा संगठन में काम किया हो उसकी दूसरी जरूरत है। जेपी नड्डा कितना दिन तक ऑफिस में काम किया है? तावड़े को मैं इसीलिए मान रहा हूँ कि तावड़े को 2 साल से मैं देख रहा हूँ, उनको दिल्ली में असाइनमेंट्स दिए गए हैं और दिल्ली ऑफिस में काफी प्रभावी ढंग से वो काम कर रहे हैं, और उनका काफी रोल हो गया है हर एक चीज में, अरेंजमेंट्स करना ये सब में। तो हमको लग रहा है क्या उनको ग्रूम किया गया है इसी पोस्ट के लिए, हो सकता है, और अब सीनियर भी है काफी, तो उनको और मंत्री वगैरह सब रह चुके हैं महाराष्ट्र में, तो उनको हमको लग रहा है कि ज्यादा चांसेस है विनोद तावड़े ही उनके च्वाइस होंगे, और उनके साथ काम करने का अमित शाह को, जेपी नड्डा को, मोदी जी को, सबको, सबके साथ उनका तालमेल भी बैठ चुका है। तो ये हमको लग रहा है कि आरएसएस उसी का करेगा। एक असहमति सिर्फ विवेक से कहूंगा, वो तो नागपुर में है, ज्यादा जानते हैं, लेकिन वो ये जो कह रहे हैं कि दूर से संदेश भेजेगा, ये सब नहीं, आरएसएस कंट्रोल करता है और वो डिसाइड करेगा कि इसको अध्यक्ष किसको बनाना है, और इनको ये मानना पड़ेगा। उन्होंने एक बार तय कर लिया कि आडवाणी को बाहर फेंकना है, तो फेंक दिया, कुछ नहीं कर पाए, इसीलिए कुछ नहीं। स्मृति ईरानी बहुत स्मॉल, उस जो इतने स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें बहुत स्मॉल प्लेयर के रूप में अब रह गई है। उनका, उनको प्रवक्ता, उनको लाइमलाइट से हटाएगा, ये मैं, वो जो मनोज जी कह रहे थे ना, वो मैं नहीं कह रहा क्या उनको साइड लाइन करके कहीं अंडमान में भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं है उनको, और या कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी, उनको प्रवक्ता वगैरह बना कर रखेगा, रोज मीडिया से उनका इंटरेक्शन होगा, और ये गाली गलौज करती रहेगी। चर्चा है कि अमित मालवीय